तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं देखिए बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों, क्या करें, कुछ बिजी सा रहता हूँ, ठीक है, इसीलिए जो है वीडियो टाइम पे नहीं आ रहा था कि ठीक है, तो कुछ दिन ऐसे ही चला लो, उसके बाद जो है वीडियो टाइम पे आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग सा है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया है जहाँ पर आप साइन अप तो कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ जो है साइन अप करने के बाद उस अकाउंट को डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। देखो यार, फेसबुक बोलो या फिर ट्विटर बोलो, इसमें तो डिलीट का जो डिलीट बटन होता है, तो आप डिलीट कर दिया, आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आपको डिलीट करने में, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आता कैसे डिलीट करें, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आसानी को फिर से आसान बनाने के लिए आप जो है इस वीडियो को बड़ी शिद्दत से देखे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है अपने फ़ोन में जाके अपना जो इंस्टाग्राम ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है अपने अकाउंट पे जाना है, और उसके बाद थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पे आपको जाना है सिंपली, और उसके बाद जो हेल्प पे आपको आना है, ठीक है। उसके बाद हेल्प सेंटर में जाओ। जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप सर्च पैनल पर क्लिक करो और उस पर लिखो जी डिलीट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट अकाउंट लिखने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर जो सजेशन आ चुका है, और उसको सबसे पहले जो सजेशन आया उसके ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है। तो टैप करने के बाद आप देख सकते हो हाईलाइटेड यहाँ पर लाइन है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो द डिलीट योर अकाउंट पेज, तो यहाँ पर फिर से क्लिक करना है आपको, और उसके बाद जो है क्रोम को सिलेक्ट करना है आपको नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो फ़ोन नंबर, यूज़र आईडी या फिर ईमेल आईडी से आपने बनाया था अपने अकाउंट को, उसको दे दो, और उसके नीचे जो है पासवर्ड वो भी दे दो, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मेन इंटरफेस यहाँ पर आती है, यहाँ पर देना है आपको एक रीज़न कि क्यों आप डिलीट करें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई अगर इशू नहीं चाहते आप, ठीक है, तो टू बिजी और टू डिस्ट्रैक्टिंग, या फिर दे सकते हो आपकी क्रिएटेड ए सेकेंड अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएटेड ए सेकेंड अकाउंट देता हूँ। यहाँ पर जब आपको जो पासवर्ड अकाउंट का उसको दे दो। यहाँ पर देने के बाद जो है आपको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको एक नया इंटरफेस आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज़ बिन रिमूव्ड, वी सॉरी टू से यू गो। तो दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, या फिर जो उसको बोल सकते हैं हम कि डिलीट हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐप में आया, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि एरर जो यू हैव बीन लॉग्ड आउट फ्रॉम योर अकाउंट, और मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर आ चुका है, ठीक है, और उस अकाउंट से जो है लॉग आउट करके बाहर निकल दिया, ठीक है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ख्वाहिश है कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है इंजामुल अंडरस्कोर ऑफिशियल, ठीक है। तो आ जाओ भाई जल्दी से और कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो स्टे ट्यून।